सर जी, झील के बारे में बताइए। झील एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे पाठक साहब और उनकी टीम ने बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन में काम किया है, बच्चों के सपने पूरे करने के लिए, IIT JEE के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जो आपके मेंस और एडवांस होते हैं, तो इन सब के लिए जिस तरह से बच्चों को यहाँ पे प्रिपेयर किया है, आज हमने कई बच्चों को जो मुझे लगता है कि कल के स्टार्स हैं एजुकेशन फील्ड में, जिनको आज हमने पुरस्कृत किया, उनको एक्नॉलेज किया कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है, आपने अच्छे स्कोर्स किए हैं। और I30 जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है आई स्कॉलर के अम्ब्रेला के अंडर, बिलीव करता है कि झील जैसे पार्टनर्स के साथ में हमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ क्रिएट करनी है, ताकि इसी तरह की हाई क्वालिटी टीचिंग का लाभ कई बच्चे पूरे भारत में उठा पाएँ। और इस तरह के हाई क्वालिटी टीचर्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं बच्चों की ग्रोथ में, ना कि सिर्फ नंबर्स में, मास में, बल्कि बहुत फोकस्ड ग्रोथ में बिलीव करते हैं, इसीलिए रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं। तो इस तरह के टीचर्स कैसे हम मुंबई के बाहर भी उनका एक डिजिटली एक्सेस क्रिएट कर पाएँ, तो यही हमारी एक कोशिश है कि झील को और बड़ा करना, ताकि और बच्चे इसे इसका फ़ायदा उठा पाएँ, लेकिन बहुत फोकस्ड वे में और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वे में, बहुत हाई क्वालिटी टीचिंग, हाई क्वालिटी टीचर्स के साथ में ही इसका हम ग्रोथ करना चाहते हैं। ये झील के माध्यम से स्पॉन्सर कुछ जो टैलेंटेड बच्चा है उसको कुछ स्पॉन्सर मिलेगा? हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने आई थिंक अब तक 28 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स दिए हैं बच्चों को, जो बहुत मेहनती हैं, जो डिज़र्विंग हैं, लेकिन इतने गरीब तबके से आते हैं, कई किसान के बेटे हैं, लेबर क्लास के बेटे हैं, जिनको इस तरह की कोचिंग मिलना मुश्किल है, लेकिन वो हीरे हैं जिनको अगर चमका दिया जाए तो फिर पूरी दुनिया में अपनी रोशनी क्रिएट करेंगे। तो कर्नल साहब और हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम काफ़ी स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम पे बुक करते हैं। हमारे जो पार्टनर्स हैं झील की तरह, कई बार ऐसा होता है कि वो भी साथ में आ जाते हैं और बोलते हैं सर ये बहुत अच्छा काम है, हम भी जुड़ना चाहते हैं, मिलकर स्कॉलरशिप प्रोग्राम करते हैं। तो ये हमारा जो सोशल इम्पैक्ट का जो माइंड सेट है, पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट की, समाज के लिए अच्छा काम करना, सिर्फ धंधा या बिजनेस को फोकस ना करते हुए अच्छा काम करना और अच्छे रिजल्ट्स देना, समाज की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट करना, तो उसमें तो हमारा फोकस रहता ही है। आज जो जिस स्टूडेंट ने टॉप किया उनको क्या सलाह देगी, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनसे सलाह